नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ 6 ऐसे मिस्टेक शेयर करना है जो सभी स्टूडेंट रेगुलरली नीट एग्जाम में करते हैं। तो आपको यह मिस्टेक अवॉइड करना है और ध्यान रखिए कि यह मिस्टेक आप दोहराए नहीं नीट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यह डिफरेंस हो सकते हैं मार्क्स में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और आपके में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। आपको सभी क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सभी ऑप्शंस भी ठीक से पढ़ना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फर्स्ट ऑप्शन देखने के बाद उसे ही ऑप्शन को सही मानते हैं और टिक कर देते हैं। हो सकता है कि सेकेंड ऑप्शन ही सही हो, थर्ड ऑप्शन भी सही हो या फोर्थ ऑप्शन। आपको सभी क्वेश्चन के बाद ठीक से उसके ऑप्शन भी ठीक से पढ़ने हैं और उसके बाद आपको सही आंसर चूज करके उसमें टिक करना है ताकि आपका आंसर सही हो। सेकेंड मिस्टेक है नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर स्पीड। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं कि फिजिक्स में वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपके पास 3 घंटे ही हैं और उसमें 3 सेक्शंस रहते हैं, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वल टाइम डिवाइड करना है। हो सकता है आप घर से कोई शेड्यूल या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके जाएं और उसी को ही फॉलो करें, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं आपको जल्द सॉल्व हो जाएंगे। फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिजिक्स थोड़ा कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में पर क्वेश्चन आपको फिनिश करना है। अगर आपका 1 मिनट से ज़्यादा 2-3 मिनट लगता है एक क्वेश्चन में तो आपको उसको स्किप कर देना है और पेपर कंप्लीट होने के बाद वापस उसी क्वेश्चन में आइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपको टाइम जो है मेंटेन करने पड़ेंगे, यही है थर्ड पॉइंट, इनसफिशियंट टाइम मैनेजमेंट। स्पीड के साथ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोशिश कीजिए आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बायोलॉजी में मुमकिन है कि 1 मिनट से पहले आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर आप सभी के पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो कोशिश करें कि बायोलॉजी आप जल्द से जल्द कंप्लीट करें, फिर ज़्यादा टाइम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलेगा। फोर्थ पॉइंट रहता है लैक ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन ठीक से पढ़े और उसके बाद आंसर भी ठीक से पढ़े, फिर आप उसके करेक्ट आंसर या एक्यूरेट आंसर चूज करें। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग आपको गैस वर्क सजेस्ट करेंगे, आपको उनकी बातें नहीं माने हैं, क्योंकि अगर आप तुक्का मारते हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर का नुकसान हो, आपके नेगेटिव मार्क्स आए जिससे आपको आगे परेशानी हो और आपका ऑल इंडिया रैंक में 1 मार्क्स से आप पीछे छूट जाएं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप गैस वर्क ना करें और आपको जो आंसर पता हो वही अटेम्प्ट करें, क्योंकि गैस वर्क में आपका माइनस मार्क हो सकता है, फिर एंडिंग में आप ही पछताएंगे कि आपके मार्क्स जो है कम आ गए हैं, आपके सिलेक्शन रुक जाएगा। तो गैस वर्क आपको नहीं करना है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेशन मिस्टेक। तो नीट के एग्जामिनेशन में फिजिक्स में कैलकुलेट काफ़ी सारे रहते हैं, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेट रहते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है। एक बार जो है आप जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको एक बार वापस क्रॉस चेक करें ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपका ऐसे ही 1 मार्क्स कम ना हो जाए। तो ये थे 6 पॉइंट जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।